हार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवार कभी गुलजार नहीं होती, जो शेष करना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराश बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ओ फिर कैसे मिले, कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो, होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसमें कोई सफल होता है कोई असफल होता है। जी हाँ, लेकिन हमारे बीच जो आज शख्सियत जुड़ने वाली है, उन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई, एक ऐसी शख्सियत जो दिलों में राज करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म एंड टीवी एक्टर मिस्टर मृदुल कुमार सिन्हा जी की। मृदुल कुमार सिन्हा जी की बात करें तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, निमकी मुखिया, लाल इश्क, न जाना इस देश, लाडो, एनसीआईडी, सावधान इंडिया, और रिसेंटली जो काम कर रहे हैं गुम है किसी के प्यार में, जो कि एक नंबर वन शो है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, हेलो, हाय। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, एंड वेलकम टू द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो। जी बिल्कुल, आते हैं, सबके लाइफ में आते हैं, हमारी लाइफ में आते हैं। जब हम बॉम्बे आए एज एन एक्टर बनने, तो सफ़र तो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बाहर से जब लोग आते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि हाउ टू अप्रोच पीपल, कैसे शुरुआत कैसे की जाए, कैसे मिला जाए लोगों से, किन लोगों से मिलना है। तो धीरे 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 थिएटर किया, फिर लोगों से मिले, एक सर्कल बनाया, फिर जो अपने पहचान जानने वाले थे उन लोगों से मिल के धीरे धीरे सर्कल बन के, फिर एक्टर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स इन लोगों से मिलना शुरू किए, ऑडिशन देना शुरू किए। तो वक्त तो लगता ही है, कभी शुरुआत में जल्दी भी काम मिल जाता है, कभी कभी गैप भी आ जाता है। तो बिल्कुल, कोशिश तो करते, अभी भी कोशिश कर रहे हैं और अच्छा काम करने की, और अच्छा काम करने की। ये तो प्रोसेस होल लाइफ चलता रहता है, तो आप जी मेहनत कर सकते हैं। राइट सर, लेकिन मैं अगर आपकी बात करूं तो आपने एक अलग छाप छोड़ी है सर, चाहे पॉजिटिव करेक्टर रहा हो चाहे नेगेटिव करेक्टर रहा है, जितने भी आपके सीरियल है, आपने लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि मुंबई में बहुत लोग आते हैं, कोई सफल होता है कोई असफल होता है, लेकिन आपके अगर मैं बात करूं तो जी, क्योंकि मैंने बहुत सारे सीरियल देखे, अगर मैं आपके सीरियल्स की बात करूं सर, और जैसे आपने थिएटर की बात की है, थिएटर हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन सर इससे पहले मैं आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूंगी, पटना बिहार। मुझे ऐसे लगता है कि पटना बिहार की मिट्टी में कुछ तो ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट वहां से आए हैं और बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, और जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर। तो सबसे पहले तो सर, जो आपका बचपन है वो कैसा रहा है, और जो एक्टिंग के प्रति आपका रुझान, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा या तो बैकग्राउंड होता है या कुछ हम इंस्पिरेशन रहती है, तो आपका भी ऐसा कुछ रहा होगा सर। हाँ, मेरा मेरा स्कूलिंग और कॉलेज मेरे पटना में हुआ है, मेरा ननिहाल है वहाँ पे। वैसे मैं मुजफ्फरपुर से भी हूँ, वो भी बिहार में ही है, लेकिन मेरा स्कूल कॉलेज पटना से हुआ है। वहाँ पे स्कूल थिएटर में, कॉलेज में जो थिएटर होता था, जब भी मैं कभी देखने जाता था, फिर तालियों की गड़गड़ाहट सुनता था, तो मैं बड़ा ही अच्छा लगता था, मैं भी ताली बजाता था, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वहाँ होना चाहिए,
स्टेज पे होना चाहिए, मुझे परफॉर्म करना चाहिए और तालियां मेरे लिए बजनी चाहिए, एक जो सबके लिए सबकी फीलिंग होती है, मेरी भी यही होती थी यार, ये चीज़ मुझे बहुत अपनी ओर आकर्षित कर रही है, मतलब मुझे लगता था कि मुझे यही बनना है, मुझे ऐसे यही करना है। तो स्कूल और कॉलेज के थिएटर टाइम से ही मेरी मेरा रुझान जो है वो इस तरफ होने लगा, और फिर ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई अब तो एक्टर ही बनना है, तो फिर बोरिया से बांध के बॉम्बे आ गए। तो फिर तो जी और सर थिएटर की जो बात की है, सबसे पहले मैं थिएटर पे आना चाहूंगी क्योंकि थिएटर हमें बहुत कुछ सिखाता है सर। थिएटर हमें डिसिप्लिन सिखाता है, पंक्चुअलिटी, डाउन टू अर्थ। जो जितने भी मैं आर्टिस्ट से मिली हूँ जो थिएटर से आ रहे हैं, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं सर, क्योंकि आपको पता है काफी चेंजेस आ गए हैं इंडस्ट्री में। लेकिन जो सर थिएटर का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि वहां पे लाइव ही इंटरेक्ट करना होता है ऑडियंस को। तो जो आपका फर्स्ट प्ले था सर, उसके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि हाँ, वो यादें दिल से जुड़ी। जी मैंने थिएटर यहाँ पे एकजुट थिएटर करके है नादिरा जी का, मैंने उनका जी काफी समय पहले ओहो वर्कशॉप किया था, और जी वर्कशॉप करने के बाद मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि वहाँ पे हिंदी उर्दू, एक तो आपका डिक्शन आपका लहजा भी बहुत क्लियर होता है और बिल्कुल आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर मैंने कुछ समय तक उनका ग्रुप ज्वाइन किया, मुझे लगता है 1 साल मैंने किया, बैक स्टेज भी करता था, सामने जाके परफॉर्म भी करता था, जी तो हमने पृथ्वी में भी शो किए। तो वो जो एक्सपीरियंस था वो सच में इतना, मतलब क्योंकि वहाँ पे रीटेक्स होते नहीं हैं, वहाँ लाइव बिल्कुल ऑडियंस है सर और ऑडियंस एकदम आपके सामने बैठी है, तो गलती जी करने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आपको इतना प्रिपेयर होके जाना पड़ता है कि एंड आई हैट्स ऑफ टू ऑल द थिएटर एक्टर्स जो इतने इतने लंबे बड़े बड़े शोज और इतनी इतनी लंबी सीन एक बार में परफॉर्म करते हैं विद ऑल इम्प्रोवाइजेशन एंड ऑल, सुपर राइट सुपर। तो मेरा भी मैंने 1 साल ही किया था क्योंकि उसके बाद मुझे टेलीविजन में काम मिलना शुरू हो गया, फिर मेरे पास टाइम नहीं था, मैं चाहता जी था करना, अभी भी करना करना चाहता हूँ लेकिन वक्त जी नहीं है, तो इसके चलते मैं मुझे टेलीविजन में एक बार एंट्री मिल गई, तो उसके बाद आई कीप डूइंग यू नो सीरियल्स एंड ऑल। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे लगता है हर एक्टर को कुछ समय के लिए थिएटर तो जरूर करना चाहिए क्योंकि एज अ बिल्कुल जो बेस होता है ना, एक एक्टर का जो बेस होता है वो आपको वहीं पे सीखने को मिलता है, जी आप इतने राइट मजबूत बन जाते हैं ना, इतने अंदर से एज एन एक्टर इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है जी कि फिर नाउ यू कैन फेस द होल वर्ल्ड। सो इट वाज अ ग्रेट जी एक्सपीरियंस एंड आई रियली थैंक माय यू नो माय थिएटर डेज जो मैंने जितने दिन किया। जी और सर पटना टू मुंबई की जो जर्नी है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स सभी का ड्रीम होता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने और इंजीनियर बने, तो आपका भी ऐसा कोई ड्रीम रहा होगा आपके पेरेंट्स का, और जो पटना टू मुंबई देखिए जर्नी। जी बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि आई हैव अ वेरी यू नो एजुकेशनल बैकग्राउंड, माय फादर इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पॉल साइंस, फिर प्रोफेसर बने मुजफ्फरपुर ओ वाह में जी एलएस कॉलेज में, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, हम लोग 2 भाई हैं, वाह तो मतलब सिनेमा हमारे लिए सिर्फ जाके देखना था या टेलीविजन में देखना था, इसके अलावा हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं फिल्म इंडस्ट्री के जी साथ। अब उसके बाद जब मैंने मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इनको कैसे बताऊं कि भाई मुझे एक्टर बनना है, अब जी बॉम्बे में कभी आया भी नहीं था, तो मैं पेरेंट्स को ये बता क्या है कि यहाँ पे मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में डिप्लोमा करके एक कोर्स हुआ करता था, आई वाज डूइंग, उनको बताया कि मैंने कोर्स कर रहा हूँ इसलिए मैं बॉम्बे जी जा रहा हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन, कि उसके पहले ओ तो अरे यहाँ ग्रेजुएशन के पहले तो आप कुछ और करने की सोच ही नहीं सकते, वो तो लीस्ट होता है कि वो तो करना ही है। देन जी आफ्टर मैं यहाँ बॉम्बे आया और फिर मैंने यहाँ सेल्स एंड मार्केटिंग में डिप्लोमा करके कोर्स था वो ज्वाइन कर लिया उनको बताने के लिए, आई वाज डूइंग दैट कोर्स, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं था बस, और साथ में मैंने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था, जी सुबह 6:30 बजे से 8:30-9 बजे तक विलेपाल ईस्ट में कोर्स होता था, मैं वहां जाता था, फिर वहां से भाग के 10:30 बजे मेरी एक्टिंग स्कूल होती थी मैं जी वो करता था। तो ऐसे, और घर वालों को नहीं पता था, उनको ये पता था कि बेटा हमारा वहाँ पे जी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करके फिर मैनेजमेंट का कोर्स करेगा,
देवर प्लानिंग की भाई मैं मैनेजमेंट का कोर्स करूँ, लेकिन मुझे पढ़ाई में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे तो एक्टर ही बनना था, तो मेरी एक्टिंग स्कूल हो गई, फिर लोगों से मिलना शुरू हो गया, थोड़ा थिएटर शुरू हो गया, एक सर्कल बनने लगा। धीरे 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 जैसे कोर्स खत्म हुआ, लकीली आई गॉट एक जी टीवी पे एक शो आया था नया दौर करके, जी यस नया दौर। हाँ, तो उसके बिगिनिंग में उसमें एज अ मेन यंग आर्टिस्ट में मेन में मुझे रोल मिल गया जी। फिर मैगजीन मैगजीन में पिक्चर्स भी आ गए, तो ऐसे शुरुआत हो गई। तो फिर तो जब फिर मेरे पेरेंट्स लोगों ने मुझे देखा टेलीविजन में शो में, तो फिर उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि तुम थे क्या? बोला नहीं नहीं मैं नहीं था, वो कोई और मेरे जैसा दिखने वाला होगा, आपको गलत फहमी होगी। आई वाज सो स्कैर्ड कि मैं इनको बताऊं कैसे जी। वो तो सोच रहे बेटा मेरा पढ़ाई कर रहा है, तो बेटा तो यहाँ फिर मैंने बता, फिर उन्होंने बोले कि नहीं नहीं हम अपने बच्चे को नहीं पहचानते कि ये तुम ही हो, तुमने कब ये एक्टिंग कब ज्वाइन कर ली? तो मैंने बताया कि मैं हमेशा ये बनना चाहता था, मुझसे नहीं पढ़ाई हो रही है, मैंने जितना करना था ग्रेजुएशन में अच्छे फर्स्ट क्लास मार्क्स से पास हो गया, अब मेरे से नहीं हो रहा है, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। सो फिर उन्होंने एक के बाद एक शो मेरे देखने शुरू किए, फिर बाद में उन्हें भी अच्छा लगने लगा, और लोग वहाँ उनको बोलने लगे कि अरे आपके आपके बेटे को हमने देखा है काम करते हुए, तो इवन नाउ दे आर सो दे आर हैप्पी कि चलो यार तुम जो करना चाहते थे तुम कर रहे हो, और टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप अच्छा ही काम कर रहे हैं, आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो थैंक यू। डेस्टिनी होती है जी, होती है, और आपकी जो डेस्टिनी में लिखा था इंडस्ट्री में आना जी, बिल्कुल 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 जी। और सर उसके बाद आपने काफी शोज किए, पॉजिटिव कैरेक्टर भी किए, नेगेटिव में भी लोगों ने बहुत ही सराहा आपके काम को, उसके बारे में जानना चाहेंगे सर। आपकी जो लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है जहां से आपको पहचान मिली है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे उस सीरियल, क्योंकि आपने बहुत सारे सीरियल किए। अगर मैं सीरियल की बात करूं, जैसे आपने बताया नया दौर, उसके बाद आपने प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, निमकी मुखिया, निमकी मुखिया तो अभी हाल ही में आया था, लेकिन उससे पहले जात ना पूछो प्रेम की, जिसमें आपने बहुत ही अच्छा पुलिस वाले थे, लेकिन हम कॉमिक कैरेक्टर थे, बट वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, तो इतना इतनी पॉपुलैरिटी शो हिट होती है तो हर एक्टर नोटिस होता है, तो इतनी पॉपुलैरिटी हो गई थी कि जहाँ कहीं भी जाते थे तो एक वो कैरेक्टर, एक उसका एक तकिया कलाम तो कुछ बोलता था जो अभी मुझे याद नहीं है, तो लोग बच्चे औरतें लेडीज सब आके मुझे सामने आके हंसते थे, मुझे देख के हंसते थे और वो लाइन बोलते थे, तो शुरू में मैं बड़ा ही अम्यूज होता था कि ये क्या ऐसे क्या कर रहे हैं, बाद में मुझे लगता था कि दे आर यू नो रिएक्टिंग टू द कैरेक्टर। फिर उसके बाद निमकी मुखिया भी बहुत हिट था, उसमें मैंने नेगेटिव किया था, मैंने क्राइम पेट्रोल में एज अ कॉप भी किया हुआ है, उसके लिए मैं नॉमिनेटेड भी हुआ था, और लाल इश्क में भी सॉर्ट ऑफ मेन प्रोटैगनिस्ट था, वो एपिसोडिक था। हाँ जी, निमकी मुखिया में इसमें आपको प्यार का दर्द मीठा मीठा बहुत हिट शो था, वो शो से भी बहुत पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि हिट शो वही मैं आपको कह रहा हूँ, स्टार प्लस हिट शो, जब हिट शो होता है तो सब लोग देखते हैं और इतने इतने गौर से देखते हैं कि एक एक कैरेक्टर जो कैमियो के लिए भी आते हैं ना, वो भी लोग मतलब उनको नोटिस करते हैं, पहचानते हैं। और उसके बाद ये शो में, दिस शो इज यू कैन से, वैसे तो स्टार प्लस के मैंने 4-5 शो किए हैं, वो सब सब हिट शो किए हैं, इनकी मुखिया और प्यार का दर्द, बट ये शो का भी जो अभी मैं कर रहा हूँ गुम है किसी के प्यार में, इस शो का क्रेज तो मतलब अभी मैं क्या बताऊँ, लोग जहाँ कहीं भी जाओ नंबर वन शो है चला में। हाँ, मतलब कमाल का क्रेज है। हम आउटडोर भी गए थे लॉकडाउन में, हैदराबाद गोवा, वहां पे भी लोगों ने इतना, लोग पहचानते थे, लोग इतना पसंद करते थे, इतने अच्छे से मिलते थे, क्या शो। अभी भी हम लोग कहीं पे भी जिम में चले जाए या कहीं शॉपिंग फैमिली के साथ कहीं जाए तो लोग आके अप्रिशिएट करते हैं, बताते हैं आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप सब लोग कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस शो ने भी ये शो कैसे मिला आपको, क्योंकि आई थिंक जात ना पूछो आई थिंक उन्हीं का ही ये शो है। हाँ, दे आर द सेम प्रोड्यूसर कॉकरन शाय का, तो इनके साथ मैंने जात ना पूछो किया था, वो शो बहुत लंबा नहीं चला था,
लेकिन इनके साथ मैंने काम किया था, तो फिर उसके तुरंत बाद ये शो इनके पास आया, तो इस कैरेक्टर के लिए दे हैव अप्रोच्ड मी कि आप इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन करो. सो दे ऑडिशन, मैंने ऑडिशन किया इस शो के लिए और आई गॉट सेलेक्टेड. तो दिस इज हाउ आई गेट दिस शो. और बहुत ही अच्छा करेक्टर है सर, अगर गुम है किसी के प्यार, क्योंकि नंबर वन पे और टीआरपी बहुत ही अच्छी है इस शो की. यस यस. लेकिन सर इससे पहले, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले सर आपने राष्ट्रीय प्रोडक्शन के साथ भी काफी काम किया है सर, हाँ राष्ट्रीय प्रोडक्शन का वही ना प्यार का दर्द मीठा मीठा उनका शो था. इट वाज जी हिट शो उस समय, एकदम शार्प प्लस में नंबर वन था मुझे जहाँ तक मुझे याद है. जी 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 तो उसमें है एज एन जी यस हाँ यस जी जी क्योंकि अगर आई थिंक आपने 2012 में आप इंडस्ट्री में आए थे, 2011 या 12 में आए थे शायद. नहीं जर्नी थोड़ी पहले शुरू हो गई थी, लोगों से मिलना मिलाना शुरू हो गया था, लेकिन एक होता है रिकग्निशन मिलना, जी जी तो उस वक्त से ही. हाँ उसके पहले जी थिएटर जी एक्टिंग स्कूल ये सब चल रहा था, मतलब मेन स्ट्रीम में जी नहीं. जी जी और सर अगर उस दौर की अगर हम बात करें तो उस दौर में आई थिंक सोशल मीडिया नहीं था, और कितना मतलब मुश्किल था सर आपके लिए, क्योंकि डोर टू डोर ऑडिशन देने जाना पड़ता था, हाँ जी किस तरह से बिल्कुल. मैनेज ये करते थे सर. नहीं डोर टू डोर ऑडिशन तो ये खत्म हुआ है, मतलब ये लॉकडाउन के बाद, और जी अभी जी भी हाँ. तो उसके बाद चैनल से और हर जगह से मुझे लगता है ये ओके हो गया कि आप घर पे आप ऑडिशन कर सकते भेज सकते हो. लेकिन देखिए जी ऐसा नहीं होता, हर दौर में ना चीज़ें बदलती हैं, पहले कुछ आता है फिर कुछ आता है, अभी कुछ और है तो जी अभी ये चल रहा है, आज से 5 साल बाद कुछ और आ जाएगा. तो हम ये नहीं बोलना जी चाहिए कि उस वक्त मुश्किल था, अभी आसान है, जी जी अभी काम बहुत ज़्यादा है. ये तो मैं कहूँगा उस यस वक्त लिमिटेड था कि फिल्म थी और टेलीविजन था, जी जी अब ओटीटी आ गया है, ओटीटी में बहुत रास्ते खुल गए हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, राइट बेहतरीन काम हो रहा है. राइट तो एक्ट्रेस के लिए काम है, जी जी यूट्यूब है, काफ़ी प्राइवेट चैनल्स भी हैं और चैनल्स भी बढ़ गए बिल्कुल हैं, टेलीविजन पे भी नए चैनल्स भी आ रहे यस हैं, तो काम बहुत है जी लेकिन लोग भी बहुत हैं. तो मतलब यस हाँ, तो वो हर दौर में ना ये चीज़ें रहती हैं, पहले भी बेसिक जी स्ट्रगल, बेसिक मेहनत. देखिए जो मेहनत करेगा जो सिंसियर होगा जी जी उसको मुकाम मिलेगा, आज नहीं तो कल. मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ. वक्त लग सकता है जी क्योंकि अगर बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा आपको समय बनाने में, लोगों से मिलने में, एक सर्कल बनाने में राइट थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप सिंसियर हैं और आप मेहनत कर रहे हैं तो जी आपको आपका वक्त ज़रूर आएगा. जी बिल्कुल सर मैं तो इस चीज़ में बिल्कुल विश्वास सही करता हूँ. जी. मैं भी विश्वास करती हूँ सर. अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई टाइम लेता है बट देता बहुत कुछ है सर. बिल्कुल 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 100%. ये शहर में, ये सच में वो शहर है जहाँ जी आपके सपने पूरे हो सकते हैं, और सब लोग अपने यस सपने लेके यस आते हैं और सबके सपने पूरे होते भी हैं, लेकिन आपको यू हैव टू बी फोकस्ड. क्या राइट क्या है, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत हैं. थिंग जी इज जी दैट कि जैसे अगर अपॉर्चुनिटीज बहुत यस हैं तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत जी हैं, जी तो वो फिर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने आप को, वो क्या करना चाहता है लाइफ में. जी जी राइट सर दिस इज माई ऑब्जर्वेशन. यस. और सर जी क्राइम पेट्रोल में भी आपने काफी एपिसोड किए हैं, और हाँ वहां से जी भी आपको पहचान मिली है सावधान इंडिया वगैरह सर, तो बहुत उसके बारे बहुत. में हम जानना चाहेंगे. हाँ जी मैं आपको बताता हूँ, ये अभी की बात नहीं है, यहाँ से 2-3 साल पहले की बात है, जब क्राइम पेट्रोल और जी सावधान इंडिया, मतलब क्राइम लोग क्रेजी थे. तो मैंने एक कॉप का जी किया था, मैंने नेगेटिव भी काफ़ी किया है क्राइम पेट्रोल में, जी जी काफ़ी मतलब उस वक्त तो मैं एपिसोडिक चलता ही रहता था. ये आप 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं आप. मैंने जी कॉप का भी किया, तो क्राइम पेट्रोल से भी बहुत लोग पहचाने, काफ़ी मेरे दोस्त लोग इसमें, अरे मैंने क्राइम, क्योंकि कुछ लोग इस तरह के थ्रिलर शोज के डाई हार्ट फैन होते हैं, वो बाकी कुछ देखे ना यस देखे ये शो ज़रूर देखते हैं, तो इसकी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है. जी जी तो वहाँ से भी काफ़ी, आप सही बोल रही हैं कि कहीं भी जाओ तो जी सर जी मैंने आपको इसमें क्योंकि देखा, सर आपकी कुछ ना कुछ मतलब सीखने का मौका भी मिलता है, और अलग अलग करेक्टर दिया जाता है बिल्कुल. आपको. उसमें उसमें फॉर्मेट भी, एक तो स्पीड होता है, बहुत जल्दी फास्ट काम होता है, जी डिफरेंट जी लोकेशंस होते हैं, रियल लोकेशंस होते हैं, सेट नहीं होता, यस अभी यहाँ कर रहे हैं अभी वहाँ कर रहे हैं, तो वो एक उसका एक अलग ही. हाँ करेक्ट, दैट्स अ डिफरेंट. जी जी राइट क्योंकि मोस्टली आजकल अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चे भी कहानियां जो कि बहुत कम आजकल, पहले हम कहानियां सुना करते थे, लेकिन वो जो कहानियां हैं वो हमें वहां से देखने को मिलती है.
सीआईडी जी की हाँ, बात करी, जी राइट 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 राइट, टाइम, करेक्ट करेक्ट, जी। और सर उसके बाद आपने एक शास्त्री सिस्टर्स एक शो आया था, वो हाँ भी जी हाँ बहुत जी, ही अच्छा शो था, कलर्स पे आता था, जी हाँ जी, वो भी कलर्स हिट का शो शो, था, जी 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 उसमें भी वो भी एक बहुत फैमिली का ही मेंबर था अच्छा, मैं, पॉजिटिव रोल था जी जी उसमें मेरा। जी जी तो सर आपने मतलब नेगेटिव रोल ज्यादा किए और बहुत ही अच्छे भी लगते हैं सर, हाँ तो मुझे अभी जो ना बिजनेस टाइकून का रोल कर रही हो वो कैसा लग रहा है सर, ये भी ओम हाँ, ये भी नाथ खान नेगेटिव ही है, ये भी नेगेटिव है, जी इसलिए इज ए यस वन ऑफ द मेन फैमिली मेंबर, बट जो हमारी जो शो की मेन प्रोटैगनिस्ट है, सई जो प्ले कर रही है, ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता दिस कैरेक्टर। जी तो ओमकार का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, तो ओमकार को ओमकार बिल्कुल खान पसंद नहीं है सई, तो वो उसको हमेशा मतलब उससे वो परेशानी रहता है उससे, और पूरी जी कोशिश करता है कि कैसे उसको परेशान करूँ या कैसे उससे बदला लूँ या क्या, अभी तक जो शो चल रहा है। सो इट्स अ नेगेटिव, समटाइम कॉमेडी भी बीच बीच में आती है, व्हेन ही यस इज ड्रंक जी तो ये थोड़ा बिल्कुल कॉमिक कॉमिक बिहेव भी करता है। सो आई एम लैकिंग दिस कैरेक्टर, मुझे मजा आ रहा है, मुझे करने में मजा आ रहा है, जी सो दिस इज। यस और ऑडियंस का प्यार भी मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी नेगेटिविटी है उस शो में कॉमिक भी है सर, क्योंकि कॉमेडी भी करते हो आप और बहुत ही अच्छा पसंद किया जा रहा है एक्चुअल में, मैं भी मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है वो शो ऑडियंस का रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि लोग सई जी को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, और उसने वो काम करती भी बहुत अच्छा है, तो मैं जी उसके ओमकार उसके अगेंस्ट रहता हूँ। तुम कितनी बार देखा मैंने कि मैं कहीं पे खड़ा हूँ या किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, तो कोई फीमेल आके ना और बड़े गुस्से से मुझे देख रही होती है, तो शुरू शुरू में मैं थोड़ा वो मैं बिल्कुल वो हो जाता था, मैंने मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, और इतने गुस्से से मुझे देख रही, इतने गुस्से से मुझे देख रही है ऊपर से नीचे तक, गुस्से से देख के और फिर मुंह बना के ना चली गई। तो एक बार दो बार तो मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा शायद ये किसी और को देखना चाह रही होंगी, शायद मेरी शक्ल मिलती हो, फिर बाद में मैंने जी रियलाइज किया कि ये इनका रिएक्शन तो ये ओमकार के लिए है, कि भाई ओमकार सही के साथ क्यों नहीं उसकी बनती है। जी तो बट मुझे खुशी भी होती है कि चूंकि अब शायद जो किरदार निभाने को मिला है, शायद वो कहीं थोड़ा जस्टिस कर पा रहा हूँ, तभी लोगों का वो रिएक्शन होता है कि इतना ये आदमी क्यों उसके साथ ऐसा बिहेव करता है। और जी रियल जी लाइफ में आयशा बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत प्यारी बच्ची है, यस मेरी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है उसके साथ, लेकिन मैं भी उसको भी बोलता हूँ कि भाई बाहर तो तेरे तेरे खिलाफ बोलना मतलब लोगों की नजर में आ जाना, फन इट्स फन, जी ये हमारे लाइन हमारे मतलब एज एन एक्टर आपको ये सब चीजें शो राइट सर पॉपुलर ये है सब तो फिर इस हर आपको रिएक्शन मिलते हैं, क्योंकि लोग देख जी रहे हैं, दैट जी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यस राइट सर। और शो की बात करूं, जब से वो शो आया है तो टॉप 5 में तो है ही है वो शो, और सर क्योंकि टीआरपी मिलना बहुत मुश्किल होता है और उस शो को टीआरपी मिल रही है, उसका कारण भी जानना चाहूंगी सर, क्योंकि आप उसी का एक बिल्कुल पार्ट बिल्कुल हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो फर्स्ट एपिसोड से हूँ शो में, जी तीसरा जी साल हो जाएगा अभी कुछ टाइम, तो जी टीआरपी देखिए, एक तो क्या है, स्टार्टिंग में शो का कंसेप्ट थोड़ा अलग था, कास्टिंग थोड़ी अलग थी, राइटिंग जी अलग थी, सेटअप अलग था, मतलब एकदम सास बहु ड्रामा एकदम नहीं था शो में स्टार प्लस पे, एक लड़की की कहानी जो एकदम हम्बल बैकग्राउंड से आती है, उसके फादर पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, जी और एक ऐसा हादसा होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है, और वो जो लड़का रहता है विराट जो नील भट्ट प्ले कर रहे हैं, उससे उसको शादी करनी पड़ती है, और नील भट्ट हमारे फैमिली का बच्चा है, चवान फैमिली का, और चवान फैमिली इज अ वेरी रिच फैमिली, ओमकार यस का वो संतरे का बिजनेस है, और ये दे आर वेरी रिच, जी सारे औरतें एकदम लैविश, एकदम नागपुर के बड़े पैसे वाले इज्जतदार लोग हैं, वहाँ पे एक मिडिल क्लास लड़की, और हम लोग विराट के लिए कोई और लड़की चाहते थे, लेकिन वो शादी करके आ जाता है क्योंकि जी स्थिति ऐसी हो जाती है, उसको भी प्यार किसी और से होता है, पाकि से होता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन कुछ कंफ्यूजन हुआ, फिर यहाँ पे आती है, फिर ये लड़की पे हम सब फैमिली का दबाव होता है कि भाई ये हमें पसंद ही नहीं है लड़की की, कहाँ से लेके आ गया इसको, जी फिर वो सही का फिर जो लो अपना, लेकिन वो सही बड़ी कैरेक्टर वाली लड़की है, बहुत स्ट्रांग लड़की है, आज की लड़की है, तो वो कैसे सिस्टम से भी फाइट करती है, घर में भी फाइट करती है, हर जगह फाइट जी करके कैसे अपनी जगह बनाती है, और एवरी डे खाने से लेके हर चीज पे उसको ताना दिया जाता है, ताने ताना तो हमारे शो का वो एकदम वो जी है, हर चीज पे कैसे उसके लिए लाइफ टफ बनाई जाती है, लेकिन कैसे वो फाइट करती है, तो मुझे लगता है जी ये चीज ना लोगों को बहुत पसंद, और राइटिंग इज सुपर,
स्क्रीन प्ले हो, मेन राइटर, स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, सेट पे माहौल बहुत अच्छा है, ये सब एक्टर्स सब बड़े अच्छे से जेल करते हैं आपस में. सो मुझे लगता है ये सब चीजें सब मिलके ना शो को एक बूस्ट मिलता है शो को, और ऑडियंस ने लोग पसंद किया. और हम लोग तो सेट पे काम करते हैं तो इतने लोग मिलने आते हैं बाहर से, फिल्म सिटी में जब हम लोग कर रहे थे, इतने लोग मतलब कहाँ बाहर से, मतलब मुंबई से नहीं, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं जो घूमने आते हैं या कुछ करने आते हैं. एक बार मिलना है किसी से, सब सही हो, पत्रलेखा हो, विराट हो, या बाकी सब कैरेक्टर, भवानी हो, अश्विनी जी हो. सो मुझे लगता है ना लोगों को ना अपने घर की कहानी लगी या कुछ नया देखने को मिला, एक लड़की का नो, और ट्रायंगल लव स्टोरी भी है, फिर विराट कैसे पत्रलेखा और सही के बीच में फंस जाता है, कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, घर वालों का प्रेशर बना ही रहता है कि कैसे इस लड़की को हम लोग दबाएं, लेकिन वो सुनती नहीं है. ये चीजें क्लिक कर गई, ये चीजें लोगों को ना, इसमें क्रेडिट जाता है राइटर्स को हमारे, और डायलॉग्स भी बहुत पावरफुल डायलॉग्स आते हैं. सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स. और अभी जो बच्चे आए हैं सर, उसमें बच्चे हाँ भी हाँ बहुत ही अरे अच्छा दोनों काम के कर रहे दोनों हैं. बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, और सभी हो या वीनू हो, बोथ ऑफ देम आर वेरी टैलेंटेड, और दम सेट पे माहौल बड़ा अच्छा बना के रखते हैं. हम लोग बड़ा बहुत प्यार करते हैं उन लोगों को, वेरी गुड एक्टर्स, वेरी गुड एक्टर्स. और सर सई के साथ आपकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है, तो कुछ मोमेंट्स अगर आप शेयर हाँ करना चाहते हो. आयशा बहुत प्यारी लड़की है, बहुत. एक तो उसके पास टाइम नहीं होता क्योंकि बहुत मैक्स हर सीन में ऑलमोस्ट शी इज देयर, लेकिन फिर भी जब भैया हम लोग को टाइम मिलता है दोनों साथ में खाना वाना, सब लोग साथ में मिलके खाना खाते हैं, बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, क्योंकि 12-13 घंटे के का काम होता है तो आपको थोड़ा ना चिल करना बहुत जरूरी होता है टू लिफ्ट योर मूड नॉर्मल रहने के लिए. सो आयशा बहुत बहुत प्यारी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, बड़ी मेहनती लड़की है, और बहुत अच्छा कर रही है, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है उसको, तो मेरी बॉन्डिंग उसके साथ बहुत अच्छी है, छोटी बच्ची की तरह मेरे लिए. तो मैं तो बहुत ही शी इज लाइक वेरी वेरी नाइस गर्ल, वेरी नाइस गर्ल. और सच में बहुत ही अच्छा लगता है सर, क्योंकि मैं बहुत कम सीरियल देखती हूँ, गिन चुन कर 2-3 सीरियल देखती हूँ, लेकिन गुम है किसी के प्यार में मैं डेली देखती हूँ. और बहुत ही अच्छा आप लोग काम कर रहे हो, और सच में इसी तरह से आप हम सबको इंटरटेनमेंट करते रहिए. और सर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग बहुत मुश्किल होता है सर, क्योंकि डेली सीरियल्स करना बहुत मुश्किल होता है सर, तो किस तरह से मैनेज करते हो आप, क्योंकि आपको देखिए मैं तो बहुत सालों से कर रहा हूँ तो मुझे पता है, लेकिन वो एक फॉर्मेट होता है डेली शो का, एक फॉर्मेट होता है कि सुबह हमारे शिफ्ट भी 9 o'clock से लेके 12 घंटे की शिफ्ट होती है, 12-12.5 घंटे की, तो प्रेशर तो होता ही है. लेकिन अब देखिए जैसे आप जो काम कर रही हैं हमें वो डिफिकल्ट लगेगा कि शायद हम वो ना कर पाए, तो ऐसे इसी तरह आप, अब हम एक्टर्स ही हैं, ये हमारा प्रोफेशन है, तो हमें मालूम है हमें यही करना है और हम इसके लिए यहाँ आए आए हैं, दिस इज हमें यही करना है, दिस इज आवर प्रोफेशन, तो हमें पता है कि यही होता है, ये सही होता है, तो हम कर लेते हैं, हो जाता है, ऐसा कुछ कोई रॉकेट सॉरी नहीं है. और सर आपने बहुत ही अच्छे करेक्टर प्ले किए, लेकिन सर जो आपके लिए चैलेंजिंग रहा हो एक ऐसा करेक्टर, क्योंकि आप बहुत सीरियल्स में काम कर चुके हो. वो आना बाकी है जी जो मैं करना चाहता हूँ, सब अच्छे हैं जो भी किरदार किया, सब अच्छे हैं, ये भी बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है, लेकिन आई जी जी एम जस्ट होपिंग वेरी सून वो आना जी जी बाकी है जो मैं करना चाहता हूँ. जी और से आपने फिल्मों में भी काम किया है, मैंने सुना है कि आपने फिल्मों में भी काम मैंने किया. एक फिल्म की थी मिलेंगे मिलेंगे करके काफी समय पहले, जी बहुत ही अच्छी फिल्म. शाहिद करीना यस थे जी और सतीश कौशिक जी ने, जो लेट सतीश कौशिक जी ने उसको डायरेक्ट किया था, बोनी कपूर की फिल्म थी. उसके जी बाद से मैं सीरियल में इतना बिजी हो गया कि क्या होता है कि सीरियल जब आप करते हैं तो आपके पास टाइम नहीं होता, अगर वन ऑफ द मेन मेजर कैरेक्टर प्ले यस कर रहे हैं तो आपके लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिल्मों का शेड्यूल अगर बिल्कुल 40 दिन का है, 20 दिन का है, तो लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड जस्ट होपफुली जल्दी. जी. और सर वैसे भी आजकल जो लोगों का ज्यादातर सीरियल्स होते हैं जो देखते हैं, फिल्में देखते हैं बट सीरियल पे ज्यादा फोकस होता है, चाहे आप हाँ इस गांव की हमें बात करो. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीरियल्स की एक अपनी ऑडियंस है, फिक्स ऑडियंस, यस
और लेकिन ऐसा नहीं है कि सब सीरियल लोग देखते हैं, वही मैं आपको कह रहा हूँ, कितने चैनल्स हैं अभी और नए आ रहे हैं, और जी सब पे कितने शोज आ रहे हैं, लेकिन कहाँ सारे शोज थोड़ी हिट होते हैं, इम्पोर्टेंट है कि वो जी शो हिट हो। अगर आप जी गिनिएगा तो उंगली पे तो कुछ शोज ही हैं जो लोग इतना पसंद करते हैं या उसको देखते हैं, बाकी शोज के बारे में तो लोगों को पता भी नहीं है कि कौन काम कर रहा है। तो इट्स जी वेरी राइट इंपॉर्टेंट दैट शो मस्ट बी अ हिट, नहीं तो चलने यस को तो चल ही रहा है, कितनी सारी चीजें चल रही हैं। जी, क्योंकि आपके शो की जो कंटेंट है, स्टोरी है, वो बहुत ही अच्छी है सर। कहीं ना कहीं वो ऑडियंस तक, ऑडियंस को छू रही है। तो ये बिल्कुल गुम है किसी के प्यार में, और बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, आपने भी बहुत ही अच्छा काम किया है, थैंक यू सो मच सर। और सर आजकल जो सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना है सर आपका, क्योंकि देखिए, कहीं ना सोशल कहीं सोशल मीडिया मीडिया से भी हमें पहचान मिली है। अच्छा है, इसके क्या जी है कि आप किसी से कनेक्ट हो सकते हैं, कोई भी आपको, जैसे इंस्टा हो या फेसबुक, कोई भी आपको, आप किसी से कनेक्ट हो सकते हैं, कोई आपसे कनेक्ट हो सकता है, कोई आपको फॉलो कर सकता है, आप किसी को फॉलो कर सकते हो, आप उसके पोस्ट देख सकते हो कि वो क्या क्या कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना चाहिए, इसको अच्छा एज ए हेल्दी वे में लेना चाहिए। इससे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हमें इंस्टा पे और इस पे देखने को मिलती है, तो हमें सीख, अगर अगर आप इसको हेल्दी वे में लें, सीखें तो अच्छी बात है। और या किसी आप किसी को आप लाइक करते हैं, कोई फुटबॉलर जैसे मेसी है, रोनाल्डो है, वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, वो उनके डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, विराट कोहली है, तो आप उनको एवरीडे उनके पोस्ट को देख के आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि जी दिस इज व्हाट हैपनिंग, और अगर आप इससे कुछ पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, तो अच्छा है, अच्छी चीज़ है, इसको हेल्दी वे में ले तो बड़ा अच्छा है। जी राइट सर। और सर अगर मैं हॉबीज की बात करूं इसके अलावा, तो हॉबीज में आपकी क्या क्या हॉबीज है सर, और क्या क्या करते हो? देखिए, हॉबीज़ में मुझे जब भी मैं फ्री होता हूँ मैं जिम जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत हार्ड बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ, जस्ट वांट टू बी फिट, मुझे जिम जाना अच्छा लगता है, मुझे क्रिकेट से बहुत पसंद है, मैं अपने स्कूल कॉलेज डेज तक मैंने क्रिकेट भी काफ़ी खेला है और थोड़ा प्रोफेशनल लेवल तक खेला है, तो अब तो यहाँ तो खेलने का मौका नहीं मिलता है, ऑल्दो मैं खेलना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैचेस होते हैं, कुछ होता है, मेरे पास अगर वक्त होता है तो मैं ज़रूर देखता हूँ, क्रिकेट देखता हूँ। मुझे म्यूज़िक पसंद है, किशोर कुमार के गाने पसंद हैं और पुराने पुराने गाने अच्छे लगते हैं, अच्छी फिल्म आए या अच्छी OTT पे कोई अच्छा शो आए तो वो देखना पसंद है, मुझे फैमिली के साथ समय बिताना बहुत पसंद है, तो मैं अगर मैं फ्री होता हूँ तो मैं घर से जिम के लिए निकलूंगा, या कोई मीटिंग हो या काम हो तभी, अदरवाइज आई विल गो आउट, अदरवाइज आई विल बी विथ माई फैमिली, तो क्या उनके साथ बात है समय सर। बिताना, बातें करना, हाँ ये मेरा बेस्ट, इससे अच्छा कोई मोमेंट नहीं होता, तो जी जब जी भी फ्री होता हूँ और तो ये ये सब चीज़ें। जी और ये बहुत ही अच्छी बात है सर, क्योंकि फैमिली को आज की अगर हम बात करें, तो फैमिली को हम टाइम नहीं दे पाते। नहीं दे पाते, हाँ हमारे मतलब आने जाने में ही पूरा दिन आपका वो हो जाता है, और हमारा काम है, मतलब वी आर सो लकी दैट वी आर डूइंग गुड वर्क, वी आर डूइंग वर्क, लेकिन उस यस काम में समय लग जाता है तो फिर समय कम मिल पाता है, तो जब भी हमें छुट्टी मिलती है तो हम कहीं बाहर चले जाते हैं, या फिल्म देखने चले गए, रेस्टोरेंट चले गए, या घर पे भी बैठ के अपन हम लोग, जी मतलब वी हैव अ ग्रेट टाइम, सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जी जी और सर एक्टिंग की अगर मैं बात करूं, तो आपको किस एक्टर ने प्रभावित किया है? क्योंकि हमारा कोई देखिए, ना कोई रोल मॉडल रहता है सर, बिल्कुल तो बिल्कुल आपका भी मुझे, ऐसा कोई रोल मॉडल हाँ रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कुछ लोगों ने, पहले मुझे संजीव कुमार साहब जो अब नहीं है, मुझे मैं छोटा था तो उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी लगती थी, अभी भी अच्छी लगती है, अब तो वो नहीं है, लेकिन कोई पुरानी फिल्म में देखता हूँ, अंगूर फिल्म जो उनकी थी, उनकी देवेन वर्मा, दीप्ति नवल, मौसमी चटर्जी, मुझे लगता है 100 बार मैंने देखी होगी, एक एक डायलॉग मुझे याद है, जी तो संजीव कुमार साहब मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मुझे इरफान खान और आपको मनोज वाजपेयी, मुझे जो सबसे ज़्यादा एक एक्टर जो मुझे प्रभावित करते हैं, जब मैं या मैं उनकी तरह काम करना चाहता हूँ, वो है पंकज कपूर साहब, ओह वाह जो जी शाहिद कपूर के वालिद हैं, मतलब जी पिताजी हैं, मुझे मतलब मैं जब भी उनको देखता हूँ स्क्रीन पे या टेलीविज़न में, कहीं पे भी मैंने उनका कम OTT में कहीं पे भी देखा है, तो बस मैं बिल्कुल स्तब्ध रह जाता हूँ कि ये इस तरह का काम भी एज एन जी एक्टर आप कर सकते हैं,
कि आपको लगता है कि ये शायद हमेशा से ये कैरेक्टर ही थे, कि पंकज कपूर साहब जी वहां कभी नहीं दिखते, वो कैरेक्टर ही पहले फ्रेम से वो आपको वो कैरेक्टर ही दिखेगा टिल द एंड ऑफ द शो या एंड ऑफ द फिल्म। आपको कभी भी ना जी आपको लगेगा नहीं कि नहीं ये पंकज कपूर साहब है। तो कमाल का काम वो करते हैं। तो मैं अगर वो मुझसे पूछा जाए तो मैं उनकी तरह जरूर काम करना चाहूंगा। ओ थैंक यू सो मच सर। और सर जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को जो हमारे साथ जुड़े हैं, स्पेशली जो सर एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं उन्हें? देखिए मैसेज तो मेरे सबके लिए है कि सब लोग सब हमेशा सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, जी क्योंकि आज की दुनिया बड़ी हेक्टिक हो गई है, हर चीज़ कहीं ना राइट कहीं मेंटल हेल्थ का बड़ा ख्याल रखें। ठीक जी है काम तो करना ही है, काम आप मेहनत करेंगे तो मिल भी जाएगा। मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, हेल्दी रहें, योगा करें। और जो एक्टर बनना चाहते हैं मैं तो कहूँगा बहुत ही बड़ी खूबसूरत इंडस्ट्री है ये, बहुत अच्छे जी लोग हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप मेहनत करके कैसे डिसिप्लिन के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हो। तो जो आना चाहते हैं वो तो आएंगे ही, हम लोग भी आना चाहते थे, हम यहाँ जी के तो हैं नहीं लेकिन आना चाहते थे, तो इतना डेडिकेशन था कि आए और फिर धीरे धीरे करके मतलब अपनी जगह बनी जाती है। तो जो आना जी चाहते हैं वो प्रिपेयर होके आए कि हाँ मुझे यही करना है और मैं इसके लिए फोकस्ड रहूंगा और डिसिप्लिन के साथ मैं मेहनत करूंगा एंड आई विल ट्राई टू डू अ गुड वर्क। सो ऑल द बेस्ट टू जी एवरीवन जो आना चाहते हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। थैंक थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स प्लेजर प्लेजर। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके इट थैंक वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू। बाय बाय। यू थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के तलवार कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर करना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।